हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग लेने वाला हूँ। आज का टॉपिक है द साइंस ऑफ हाउ टू लेट गो। हमारे जीवन में हमारे कुछ पास्ट डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारी प्रेजेंट ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे कि कोई पायलट है जो टैक्सी चला रहा है और उसको रनवे पे हवाई जहाज की तरह उड़ाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई बुल है जो अपने आप को इमेजिनरी खंभे से बांध के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अब वो फंसा हुआ है, यही है, जो भी है, अब जा नहीं सकता, यही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यस, इट इज़ द टाइम टू लेट गो। हर इंसान अपने जीवन में अपनी पोस्ट पोजीशन अपनी ओपिनियंस के चक्कर में फंसा रहता है और उसमें ही दबा रहता है और उसी में अपने आप को सिक्योर फील कराने का प्रयास करता रहता है। जैसे बम्बूज होते हैं, बांस, लोग उसका भी घर बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बम्बूज को जोड़ के रस्सी से ऐसे से अच्छे से बांध के उसका अच्छा से घर बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी अपने मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि इस अपने हिसाब से सब चीज़ें चलेंगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और हमें लगता है कि हम सिक्योर फील करेंगे। ऐसे तो तीन करेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कुछ इसी तरीके का माइंडसेट रखते थे, जो कि सबसे पहले थे धृतराष्ट्र। उनको लगता था जब तक उनकी पोजीशन है तब तक चीज़ें सिक्योर है, सिक्योरिटी रहेगी उनकी। भीष्म पितामह, उनको लगता था जब तक उनके सिद्धांत प्रिंसिपल का पालन हो रहा है जब तक चीज़ें सिक्योर रहेंगी। और द्रोणाचार्य को सिक्योरिटी दिखती थी अपने बेटे के प्रति उनके अटैचमेंट्स में। हमेशा याद रखना, जो वृक्ष होता है ना वो भी एक समय के बाद अपने फलों को अपने फूलों को छोड़ देता है, त्याग देता है। नदी भी अपने पानी को हमेशा एक जगह रोके नहीं रखती, एक समय के बाद नई धारा को आने देती है। काले बादल भी हमेशा अपने अंदर पानी भर के नहीं रखते, बरस जाते हैं, वापस वाइट हो जाते हैं। पूरी लाइब्रेरी को बचाने के लिए कई बार दीमक वाली किताबों को हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसी तरीके से शास्त्रों में बताते हैं कि यज्ञों की अग्नि में हमेशा घी का सेक्रीफाइस किया जाता है। तो हमें हम एक समय के बाद सेक्रीफाइस करना चाहिए, चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तो अब तीन ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ जो पिछले तीन कैरेक्टर से एकदम अपोजिट हैं। सबसे पहले है युधिष्ठर। युधिष्ठर महाराज ने बचपन से ही, जन्म से ही अपने पिता से ये कला सीखी। वो सत्यवादी थे पर जब परिस्थिति आई तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस किया। दूसरे थे परीक्षित महाराज, किंग थे पूरी दुनिया के। जब परिस्थिति आई, जब उनको कर्ज दिया गया, श्राप मिला, तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपनी पोजीशन का त्याग दिया। तीसरे थे जनमजय। ये पृथ्वी से सारे सर्पों को खत्म करने वाले थे पर ऋषियों के रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने अपनी ओपिनियन को बदल दिया। तो क्यों, कब, कहां और कैसे अपनी ओपिनियन, पोजीशन और प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस करना चाहिए हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें विवेक की ज़रूरत है और थोड़े से कॉमन सेंस की भी। अगर आप सेल्फलेस हैं तब आपके लिए ऐसा करना इजी रहेगा, बट वही अगर आप सेल्फिश हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी, बट आपको ऐसा करना सीखना होगा। तो क्या होगा जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, क्या चीज़ें मिलेंगी हमें? तो अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, साइंस ऑफ लेट गो को अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलेगी वो है मेंटल स्पेस। और क्या होगा जब मेंटल स्पेस आएगा? जब हमें मेंटल स्पेस मिलता है तो हमें चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है और इस क्लियर विजन की वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है जो कि हमारे डिस्टर्ब माइंड की वजह से ब्लर हो गई थी। जैसे जब युधिष्ठर महाराज ने अपने प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस किया तब उन्हें एक चीज़ रियलाइज हुई। जब उन्होंने अपने, जो हमेशा वो सच बोलते थे, तो पहली बार उन्होंने सच ना बोला, तब उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सच का मतलब होता है, तुरंत का अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ मुझे अच्छा लगे। तो उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ जब उन्होंने ये अपने अपने प्रिंसिपल का सेक्रीफाइस हुआ, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से चीज़ों की डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई। परीक्षित महाराज ने जब अपनी टेम्प्रेरी मटेरियली पोजीशन को त्यागा तब उन्होंने परमानेंट इटर्नल स्पिरिचुअल धाम जाने का मौका मिला। वहीं जब जन्मजय ने अपनी ओपिनियन को त्यागा और ऋषियों की बात सुनी
तब उन्हें रिलाया जो है कि गुस्से में आकर वो एकदम अंधे हो गए थे। तो जब भी हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मेंटल स्पेस मिलता है, चीज़ों की बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है, जो कि एक्चुअली हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने का, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। और दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। हम चेंज से बहुत डरते हैं अपने जीवन में, हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं, जो हमने सब कुछ प्लान किया हुआ, चीज़ें वैसे ही चलें, जिस वजह से हम चेंज से बहुत डरते हैं। पर कहते हैं जितने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही अच्छे से आपकी जीवन में डर खत्म होगा। जब भीष्म पितामह से अंतिम समय में जब सारी पोजीशंस उनकी ले ली गई, तब तो वो रियलाइज कर पाए, सोच पाए कि वो सिद्धांतों के उस पेड़ को कस के पकड़ के बैठे हुए थे जिसमें कांटे बहुत सारे थे, और अब इसी पेड़ ने उनको उखाड़ के फेंक दिया है, इन्हीं सिद्धांतों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया है। अब वो रियलाइज कर पा रहे हैं जब उनके पास चीजें नहीं रही, कंट्रोल नहीं रहा, द्रोणाचार्य जब उनका ट्रिक करके उनके अटैचमेंट्स उनसे ले लिए गए ना, तब पहली बार वो आजादी से सांस ले पाए। अब उनको डर नहीं था कि उनके बेटे का अटैचमेंट उनको और पेन देगा, वो पहली बार सांस ले पाए अच्छे से। और फिर धृतराष्ट्र, जब विदुर के कहने पर उन्हें अपने राजगद्दी सिंहासन त्याग दिया, तो पहली बार वो रियलाइज कर पाए कि एज अ किंग उन्हें एलिवेट होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं वो चेन से बंधे एक डॉग के समान ही थे। वो अब वो रियलाइज कर पाए जब उनसे चीजें ले ली गई। तो हमें भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना इस चीज को अपने जीवन में, तो हम समझेंगे कि यार सबसे पहला चीज तो मुझे चीजों की अब क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल रही है, और दूसरा कि मेरे जीवन में जो डर था ना वो खत्म हुआ है। तो हमें सही समय पे, सही जगह पर, सही मूड से चीजों को त्याग देना चाहिए, और ऐसा करते हैं ना तो आपको ही अंदर से बहुत अच्छा लगेगा और आपको सम्मान भी मिलेगा सोसाइटी में। वरना अगर हम सोचते हैं कि नहीं त्यागूंगा, अपने पास रखूंगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ आपसे जबरदस्ती ले ली जाएगी। प्रकृति का नियम है कि चीज़ें बदलती हैं, चेंज प्रकृति का नियम ही है, हमें इसको अप्लाई करते रहना चाहिए अपने अपने जीवन में। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूंगा। आज की वीडियो को एक्चुअली बताने का पर्पज ये था कि हम अपने जीवन में चेंज से बहुत डरते हैं, पर चेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमें सब प्रयास करना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी पोजीशन, अपने रूल्स, अपने अपने ओपिनियंस पे ना रहूं, आगे बढ़ूं, अपने समय आए तो इन चीज़ों का सेक्रीफाइस करके दूसरों को भी मौका दूं, और ऐसा करेंगे तो हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते रहेंगे ना तो हमें भी चीज़ों की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, हमारी लाइफ से फियर खत्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे। और ये हम तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के प्रति और आगे लेके जाएं, गीता की नॉलेज को और अच्छे से अप्लाई करें, ये हेल्प करेगा हमको और स्ट्रांग बनाने में। तो अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें जिसमें आपने दूसरों के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट का त्यागा हो। तो अगर ऐसा आपका कोई स्टोरी है तो आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं जरूर चाहूँगा कि आप मुझसे शेयर करें, मैं सुनना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।